नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं जुबली पार्क के मुख्य गेट के पास। आज यहां पर पूर्व सांसद व आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार चलो जुबली पार्क और खोलो जुबली पार्क का नारा देते हुए पहुंच चुके हैं जुबली पार्क। और इसी के साथ उन्होंने आह्वान किया है जमशेदपुर की आम जनता से जुबली पार्क आने के लिए। इसे देखते हुए सैकड़ों की संख्या में जमशेदपुर की आम जनता का जुटान भी हो चुका है जुबली पार्क में। तो देखिए किस तरह से डॉक्टर अजय कुमार के एक बार यहाँ पर पहुँचने से जुबली पार्क के मुख्य गेट को खुलवाने को लेकर जमशेदपुर की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। देखिए जमशेदपुर से राजलक्ष्मी की यह खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन भी अपना हाथ खड़ा कर चुकी है, विधायक जो है उन्होंने भी गेट खुलवाने को लेकर आवाज़ उठाई, फिर चाहे विपक्ष हो विपक्ष से भी आवाज़ उठी, अब पक्ष के भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं जुबली पार्क का गेट खोलने को लेकर। तो आखिरकार सत्ता किसके हाथों में है? देखिए हमारी बात अनेक लोग से हुई है, हमको जो जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी गेट को खोलने के लिए जो उन्होंने अभी तक आदेश पारित नहीं किया, अनेक लोग से हमने बात किया, कंपनी के भी अंदर कंपनी के बाहर प्रशासन के लोग भी। तो जिला अधिकारी के लिए आज एक टीम जाएगी जिसमें आनंद बिहारी जी हैं, धर्मेंद्र सोनकर जी हैं, फिरोज खान जी और उनके अन्य साथी सभी नेतागण जाएंगे साथ में, जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें जो लगता है कि ये जानबूझ के, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जमशेदपुर के जनता को हर एक तरीके से दबा सकते हैं, तो इसका नतीजा यही है। अब देख लीजिए ना कि ये पार्क जो है इस शहर का इतिहास है। हमारा मांग सिंपल है कि आप इसको खोल कर रखिए, आप जो है 2 घंटे सुबह खोल देते हैं और 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, जैसे लगता है कि जो वो ड्रिप जो पानी चढ़ाते हैं ना धीरे धीरे बूंद बूंद करके कोई पेशेंट को, उसी तरह से हरकत कर रहे हैं। हमारा सिंपल चीज़ है, सुबह से इसको 5 बजे से खोल के रात को 10 बजे तक खोल के रखिए, जिसको भी आना है घूमना है टहलना है सबके लिए खुली रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे गाड़शिला से लेकर के आसपास के सभी कलकत्ता से लोग आते थे और ये जमशेदपुर के शहर का शान है। तो जिला अधिकारी महोदय से एक ही हमारा ये निम्रतापूर्वक एक अनुरोध है कि अगर वो जल्दी से इस पार्क को नहीं खोलेंगे फिर और बड़े उग्र रूप में हम लोग ये राजनीतिक कार्यक्रम शुरू करें, जब तक क्योंकि जिलाधिकारी इस जिला के हेड होते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब किससे वो बात करें, हम कंपनी से बात नहीं करें। सरकार का जो प्रतिनिधि सरकारी तौर से प्रशासनिक प्रतिनिधि तो जिलाधिकारी है, तो वो तुरंत खोल दे, नहीं तो इसको जो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमने अभी चिट्ठी लिखा है, अब एक आंदोलन पूरे जो है शहर में शुरू हो जाएगा, पूरे जिला में शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको जो जानकारी है कि जिला प्रशासन द्वारा जो है गेट को बंद करके रखा गया है, जो हमारी जानकारी अगर वो है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जुबली पार्क के बगल में एक चिल्ड्रंस पार्क भी है जो उसी वक्त से बंद है जब से पिछले लॉकडाउन, मैंने इस पर एक रिपोर्टिंग की थी जिसमें बच्चों को मैंने बैरिकेडिंग से कूदते हुए देखा और उनका कहना था कि पार्क खुल नहीं रहा है, इसमें इसके लिए मजबूरी में हमें ऐसे कूद कर जाना पड़ रहा है। मैडम आप एकदम सही कह रहे हैं, ये तो तानाशाही है ना, और मैं बता रहा हूँ मैं तो जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि मैं तो SP रह जाऊँगा, कंपनी की क्या औकात है ये सब करने का। अगर जिला प्रशासन एक कड़ा रूप ले तो 2 मिनट का काम है खोलना, और हमको कंपनी से क्या मतलब है, कंपनी इतनी बड़ी हो गई है क्या, कंपनी है ना, सरकार चाहे तो 2 मिनट में खुलेगा, तो प्रशासन अगर, क्योंकि रांची में खुल गया है, धनबाद में खुल गया है, बोकारो में खुल गया है, तो जमशेदपुर का जो है जिला प्रशासन क्या जो क्या दतूरा खा गया कि पता नहीं क्या किया है, नहीं पूरे प्रदेश में खुल गया ना, तो इस तरह की थानाशाही कैसे चलेगी। इसने हमने DC साहब को कल रात को बोला था कि समझदार है, यही नहीं तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। जनता बिचारे ये मत समझना कि जमशेदपुर की जनता जो है आवाज़ नहीं उठा रही है तो दबे हुए कमज़ोर है, जिस दिन गुस्सा फूट जाएगा तो फिर जो है किसी को संभालने के लिए शक्ति किसी के बस की नहीं रहेगी। अभी बेचारे चुपचाप है, लेकिन जिस दिन, क्योंकि लोग को लगता है कि इसको उनको कितना भी दबा दे, लेकिन जिस दिन सबर टूट जाएगा तो फिर नुकसान जिला प्रशासन को झेलना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व सांसद IPS ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार आए हुए हैं यहाँ पर, रोड का निरीक्षण कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि जुबली पार्क के मुख्य गेट को 12 घंटा जमशेदपुर वासियों के लिए खुलना आवश्यक है। इसे लेकर वे लगातार DC से संपर्क में है और उनका कहना है कि मैं किसी कंपनी को नहीं जानता है, मैं यहाँ के जिला प्रशासन को इसके संबंध में बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय आ जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।